मेरे पास मत दौड़ना, रुक जाना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं चांदीपुर रोड से। तो इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चांदीपुर के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ। चांदीपुर दोस्तों उड़ीसा स्टेट के अंदर आता है और बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर आप चांदीपुर जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप ट्रेन, बस और प्राइवेट गाड़ी के द्वारा आ सकते हो। चांदीपुर दोस्तों बालेश्वर स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे आपको टैक्सी, बस सब कुछ मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट गाड़ी से आते हो तो आपको यहाँ पे पार्किंग के लिए कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे सी बीच है, पर पानी अभी बिल्कुल भी तट पे नहीं है, ये पानी पूरा एकदम अंदर है और ये पानी यहाँ पे आते आते रात हो जाएगा। ये सी बीच का बस यही खासियत बात है क्या ना, ये पानी तट पे नहीं रहता, ये आता है और जाता रहता है। तो और भी कुछ मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। कसम से यार ऐसा फील आ रहा ना कि जैसे मैं शमशान घाट में आ गया हूँ। एक जवाना था जब लोग यहाँ पे सीट के लिए लड़ते थे कि यार मुझे चाहिए मुझे चाहिए, पर अभी दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। मेरे यार भूल से बिना जंगल की तरफ कभी मत जाइएगा, क्योंकि ना वो बेवड़ों का अड्डा है। अब जाइएगा आपको वहाँ लूट लेगा, अगर आप चिल्लाओगे भी ना यार आपको दूर दूर तक भी कोई सुनने वाला वहाँ नहीं मिलेगा। सच बताऊँ तो मैं तो कभी पुलिस चौकी नहीं देखा हूँ चांदीपुर बीच के ऊपर, मैं ना ही कोई पुलिस को देखो। तो इसलिए दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि अपना ख्याल खुद रखें। अगर आप आते हो चांदीपुर आइए, मना नहीं है, बहुत अच्छा जगह है, पर सीढ़ी पे बैठिए, इधर उधर जो जंगल है ना वहाँ पे ना जाएं। तो चलिए अब कुछ मज़ेदार वीडियो देखते हैं। दूसरे का बकरी क्यों पकड़ रहा है भाई? ये क्या जाल यहीं से पकड़े ना अंदर से पूरा? पहला पट्टा मारे यहीं पे जाल लगाते हैं, वो जो होता है इसी से ना जाल मारते हैं, वो अन्नो जाल, ये जाल अन्नो। अच्छा अन्नो, ये जाल जो है काठी जाल है। अच्छा। ये डालने वाला है, इसमें तो ज्यादा केकड़ा, इसमें तो केकड़ा ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों कुछ आपको नज़ारा शाम के वक्त का दिखा देते हैं। यहाँ पे शाम के वक्त का नज़ारा इतना सुंदर होता है ना, अगर आप यहाँ आओगे और बैठोगे ना, आपको ठंडे हवा से तो पहले आपका मन खुश कर देगा, उसके बाद यहाँ का जो व्यू आपका मन पूरा मोह लेगा। तो शाम में जब सूरज उगता है उसका व्यू देखने लायक होता है यार, देखने लायक। तो इस जगह के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप मैप को फॉलो करके आना चाहते हो तो वहाँ से आप आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो हो सके तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी।